17 जनवरी 2024 से हमें सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज देखने को मिलने वाली है और इन फोन्स के ना लीक्स भी आना चालू हो चुके हैं और फिलहाल में सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के जो है वो लाइव इमेजेस भी आ चुके हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऐसा हमें फोन देखने को मिलेगा और आप सोच रहे हैं कि भाई इसमें नया क्या है, तो इसमें हमें टाइटेनियम की बॉडी देखने को मिलने वाली है। ये जो सीरीज है गैलेक्सी AI के साथ में आने वाली है, यानी कि इसमें AI के बहुत सारे फीचर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। इंटरनल परफॉर्मेंस जो है वो भी हमें बहुत ही कमाल की देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इसमें हमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है जो कि गैलेक्सी के लिए अलग से डिजाइन किया जाएगा। LPDDR5X की रैम हमें देखने को मिलने वाली है, UFS 4.0 की स्टोरेज हमें देखने को मिलेगी और एंड्रॉइड 14 हमें देखने को मिलने वाला है, यानी कि आपको परफॉर्मेंस में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। डिजाइन की अगर हम बात करें तो आपको ऐसा डिजाइन देखने को मिलने वाला है जिसमें हमें ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, बस इस बार टाइटेनियम की हमें बॉडी देखने को मिलेगी और ये आपको 4 कलर देखने को मिलने वाले हैं। फ्रंट में हमें 6.8 इंच की WQHD LTPO डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है और 120Hz का आपको रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलने वाला है। 2500 nits की अपने पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिलने वाली है, यानी कि अगर आप इसे ब्राइट एरिया में भी यूज करोगे तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ब्राइटनेस की बहुत ही ज्यादा रहेगी। और सैमसंग की डिस्प्ले यूज की जाएगी तो हमें कलर्स भी अच्छे देखने को मिलेंगे। और परफॉर्मेंस के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर हम बात करते हैं इस फोन के कैमरास के बारे में, और इसमें ना हमें कैमरा भी अच्छे देखने को मिलेंगे। इसमें हमें 200 megapixel का मेन कैमरा देखने को मिलेगा OIS के साथ में और न्यू सेंसर के साथ में ये आने वाला है। 12 megapixel का हमें अल्ट्रा वाइड देखने को मिलेगा, 10 megapixel का हमें 3x टेलीफोटो देखने को मिलेगा और 50 megapixel का हमें 5x टेलीफोटो लेंस देखने को मिलने वाला है, यानी कि इस बार की जो फोटोज क्वालिटी होगी वो बहुत ही कमाल की देखने को मिलने वाली है। इस बार ना कैमरे को और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया गया है। 12 megapixel की हमें सेल्फी देखने को मिल जाती है, 12 megapixel की होने के बाद भी ये बहुत ही कमाल की सेल्फी लेते हैं। 5000 mAh की हमें बैटरी देखने को मिल जाएगी और 45W का हमें चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। डब्बे में चार्जर तो हमें मिलेगा ही नहीं जैसे आपको पता है। 15W की हमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है इस फोन के साथ में। तो ये कुछ आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है इस फोन में, और आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि इस फोन की आपके हिसाब से प्राइस क्या रहेगी। और जाते जाते ना दबा कर भी जाना सब्सक्राइब का बटन।